अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवे के अप्पम और उसके साथ में बनाएंगे हम सेंग दाने की चटनी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हमें रवा पीसना है। देखिए मैंने एक वाटी रवा ली हूँ, इसे मिक्सर की जार में डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। देखिए रवे को पीस के मैंने एक बाउल में ले ली हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डालेंगे, थोड़े से डालेंगे बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, 1 चम्मच जीरा, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे जब तक कि हम चटनी पीस लेंगे। गैस पे मैंने पैन रख दी हूँ, इसमें हम डालेंगे 1 वाटी सेंग और इसे अच्छे से भून लेंगे। चम्मच से हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। देखिए सेंग हमारा भूनकर हो चुका है। अभी हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। देखिए सेंग ठंडा होने के बाद मैंने उसका छिलका निकाल कर ले ली हूँ जार में। अभी हम इसमें डालेंगे 4-5 लहसुन की कली और 3 हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी कोथमीर, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। देखिए चटनी पीस कर हो चुकी है, मैंने इसको 1 वाटी में निकाल ली हूँ। अभी हम अप्पम बनाने के लिए लेंगे। अप्पम बनाने के लिए मैंने अप्पम वाला साँचा रख दी हूँ। अभी हम इसके ऊपर चारों तरफ तेल लगाएंगे। अभी हम इसमें बैटर को डालेंगे। गैस हमें बारीक आंच पर ही रखना है। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद अभी हम ढक्कन को हटा देंगे। देखिए नीचे से पक चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। ऊपर भी तेल लगाने के बाद अभी हम इसको पलट लेंगे। देखिए मैंने सारे अप्पम को पलटी कर दी हूँ। अभी हम इसको और 2-3 मिनट के लिए इधर से भी पकाएंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह हम फिर से तेल लगाएंगे चारों तरफ। माशाल्लाह देखिए रवे के अप्पम और चटनी दोनों बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना अप्पम और चटनी कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।